अभी सर राजनीति में जो हनुमान जी की जाति को लेकर भी विवाद काफी हो सर, कोई मतलब नहीं सर, दलित क्यों बोला दलित मतलब सर पिछड़े हुए थे वाने कहलाते थे, पिछड़े हुए थे दलित हैं, उनकी जाति है भाई, उसकी जाति नहीं, देखो जाति नहीं जिसको कहते हो ना आजकल, जिसको जाति कहा जाता है कि लोहार है, चमार है, और क्या वैद्य है, सुनार है, केवट है, ये सब क्या है, ये व्यवसाय है, व्यवसाय सारे के सारे व्यवसाय, क्या बात है, इसमें जाति कहाँ से आ गई, और वर्ण जिसको कहते हो, वर्ण क्या है, जब भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने चार प्रकार के वर्ण, उसमें वो ये कहते हैं कि जन्म के समय बच्चे को उसके पिछले हजारों जन्मों के कर्म का फल देखते हुए उसको मैंने ये स्वभाव, आप कुछ भी बन जाए ब्राह्मण तभी हो सकते हैं जब आपके भीतर वो स्वभाव है, जब ये नहुष ने भीम को बांध लिया तो युधिष्ठिर गए महाभारत की बात है जी, युधिष्ठिर गए कि इसको छोड़ दो मेरे भाई को, अगर भूख लगी तो मुझे खा लो, उसे कहा गुरु मेरे प्रश्न को ब्राह्मण तो जो युधिष्ठिर का ब्राह्मण होता है जिसमें दया है, माया है, ममता है, करुणा है, जो दूसरों को देता भी है, दान देता भी है, जो भिक्षा पर निर्भर रह करके स्वाध्याय करता है, समाज का कल्याण करता है इत्यादि, तो नहुष ने कहा कि ये गुण तो शूद्र में भी हो सकते हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा कि यदि जिसको तुम शूद्र कह रहे हो उसमें ये गुण है तो वो ब्राह्मण है, और जिसको तुम ब्राह्मण कह रहे हो उसमें ये गुण नहीं है तो वो शूद्र है, तो ये जो गुण हैं ये आपका स्वभाव है, ये आपकी प्रकृति है, उसको आप बदल नहीं सकते, ये दिया है आपको भगवान ने, ये है वर्ण, चार तरह के साइके अंग्रेजी में जिसको कहते हैं ना, चार तरह के दिमाग, उस तरह की ये चीज़ है, और ये कि मैं ब्राह्मण पुत्र हूँ इसलिए ब्राह्मण हूँ, और ये आजकल तो ये उल्टा हो गया है ना कि इसी में गौरव है कि नहीं मैं तो दलित हूँ उससे मुझे सरकार से सुविधा मिलती है, ये मिलता है, जो संविधान में ये बंटवारे कर दिए गए जातियों के और उसके आधार पर सुविधाएं दी जाने लगी, इसमें इस देश के समाज को बहुत